नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिहार डिप्लोमा काउंसलिंग के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है और आपको किन किन कारणों पर या फिर किन किन महत्वपूर्ण बातों पर आपको नज़र बनाए रखनी होगी चॉइस फिलिंग करते वक्त। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक का जो लेटेस्ट अपडेट आया है 4 जनवरी स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा, वो आप लोगों को बताया गया है कि आपको स्टे कनेक्टेड विथ फॉर लेटेस्ट अपडेट, आपको बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ से जुड़ा रहना है। अभी आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण तिथियां नहीं बताई गई है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर बिहार डीसीसी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी और आप यहां पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आते रहिए जो कि बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहे तो बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है नया अपडेट उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भी आपको नज़र आ जाएगा जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू साइट हैक एंड चेंज इन फिलिंग चॉइस ऑफ UGEAC इंजीनियरिंग कॉलेज काउंसलिंग, यानी कि जो UGEAC इंजीनियरिंग कॉलेज का जो काउंसलिंग का जो वेबसाइट था उसको हैक कर लिया गया था और उसमें कुछ चॉइस फिलिंग को चेंज कर दिया गया था, इस कारण लेट हो रही है। तो आप सभी स्टूडेंटों को पैनिक नहीं होना है और स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर लेटेस्ट अपडेट आपको इस वाले लिंक पे मैं जो कि दे दूंगा बिहार पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड रहना है। आपको यहाँ पे आ करके चेक करते रहना है कि कोई इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब डिप्लोमा का सिलेक्शन कैसे होता है उसका प्रोसेस जान लेते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा, पहले नंबर में सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको पता ही होगा सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द प्योरली ऑन द एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स, यानी कि आपका जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने मार्क्स आया है उसके ऊपर सिलेक्शन बेस्ड होता है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मे बी कॉल फॉर द काउंसलिंग, यानी जिन लोगों का भी रैंक अच्छा आया होगा उन्हीं लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और फिर दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट, यानी कि जल्द इसे अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। तो अब आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग काउंसलिंग, काउंसलिंग के बारे में आप कुछ निर्देश जान लीजिए। कैंडिडेट विल बी टू फिल चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीफर्ड कॉलेज एंड स्ट्रीम, यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी जो कि आप सभी स्टूडेंटों को समझना चाहिए। जो भी नए स्टूडेंट है जिनका भी एडमिशन इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में होने वाली है, वो लोग आप ध्यान से देखिए, आप लोगों को कॉलेज का चॉइस करते वक्त सावधानी बरतना है। और तो और, आफ्टर चॉइस फिलिंग कैंडिडेट शुड कीप हार्ड कॉपी ऑफ सबमिटेड चॉइस लिस्ट, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद उसका हार्ड कॉपी रख लेना है सुरक्षित, क्योंकि आपको आगे कॉलेज में उस लिस्ट को देना पड़ सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे द रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग विल बी ओनली वन टाइम, तो आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का मौका एक बार ही दिया जा सकता है। चॉइस फिलिंग में भी एक और बार बढ़ाया जा सकता है अगर कभी पिछले बार, तो मतलब दोबारा चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया गया था स्टूडेंट को, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि चॉइस फिलिंग एक बार ही होगी और इसीलिए आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि आपको एक बार अगर आप बहुत कम कॉलेजों का सिलेक्शन करते हैं मे भी, तो होप आप अगर आपके रैंक खराब होंगे तो आपको कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं किया भी जाए। तो इसलिए अगर आपके 5000 से ऊपर का रैंक है तो आप सारे कॉलेजों को सिलेक्ट कर ले, ऊपर अपना मेन कॉलेज को रखें जो आपका पसंदीदा हो।
और दोस्तों आगे आप देख सकते हैं कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू फिल देयर मेनी ऑफ नंबर्स ऑफ प्रीफरेंट कॉलेज, जो कि वही बारी वही चीज़ों को बताया गया है कि आपको अधिक से अधिक कॉलेजों को चुनना चाहिए। ऑन द बेसिक ऑफ चॉइस फिलिंग सेकेंड एंड थर्ड राउंड एलॉटमेंट विल बी गिवन, यानी कि चॉइस फिलिंग के अनुसार आपको सेकेंड या थर्ड राउंड एलॉटमेंट विल बी दिया जाता है। आप किस प्रकार चॉइस फिलिंग करते हैं इसके कारण भी। तो दोस्तों अब चलते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ बिहार DCCA काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला कॉलम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग डेट। तो ये आपके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है आई है और कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, और इसे जब भी पता चलता है तो आपको यहाँ पे नोटिफाइड कर दिया जाएगा। और अगला है मॉक सीट एलॉटमेंट, इसके बारे में भी कोई डेट नहीं घोषित हुई है, लेकिन आप इस वेबसाइट पे आते रहे और आप चेक करते रहे, जब सबसे पहले आपको यहीं पे डेट को नोटिफाइड कर दिया जाएगा। फिर है लास्ट डेट टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग, उसका भी डेट आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा जल्द ही। और प्रोविजनल सीट एलॉटमेंट राउंड वन, उसका भी अभी डेट नहीं आया है। फर्स्ट राउंड सीट एलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड, यानी कि आपको सीट एलॉटमेंट को किन किन डेटों के बीच डाउनलोड करना है उसका भी डेट आपको यहाँ पे नोटिफाइड कर दिया जाएगा। फिर है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन, उसका भी डेट आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ राउंड टू प्रोविजनल सीट एलॉटमेंट, यानी कि सेकेंड काउंसलिंग कब होगी और सेकेंड राउंड सीट एलॉटमेंट का ऑर्डर कब डाउनलोड होगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन, उसका भी डेट आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो आपको इस वाले लिंक पे ज़रूर आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जब जब डेट निकलेगी यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफाइड कर दिया जाएगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगा, उसका ऑर्डर कब डाउनलोड किया जाएगा, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या एडमिशन राउंड थ्री कब होगी, उसका भी डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दोस्तों अब यहाँ पे जानते हैं बिहार DCCA पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का प्रोसेस 2020 कैसे होता है। तो सबसे पहले DCCA पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोसेस 2020 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन दिस ईयर, यानी कि काउंसलिंग को ऑनलाइन ही लिया जाएगा। द काउंसलिंग प्रोसेस विल गो थ्रू ए सर्टेन सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब कुछ सीरीज के स्टेपों में आप लोगों को काउंसलिंग का प्रोसेस दिया जाएगा। और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन, यानी कि अनिवार्य है कि आपको जो स्टेप्स यहाँ नीचे दिए गए हैं उसके अनुसार आपको सारा प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले उन स्टेप के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि काउंसलिंग की जो डेट आती है तब आप लोगों को उससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि उसका वेबसाइट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक। और फिर है चॉइस फिलिंग, कब से होगी चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको बहुत सारे कॉलेजों का चॉइस फिलिंग कर लेना चाहिए, आपका जो पसंदीदा हो उसे ऊपर रखना चाहिए, ये दूसरा स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप है चॉइस लॉकिंग, फिर थर्ड स्टेप है कि चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस को लॉक कर लिया जाए, और उसके बाद आप उसका हार्ड कॉपी का लिस्ट प्रिंट करवा लें और उसे अपने पास रख लें। और फिर है सीट एलॉटमेंट, यानी चॉइस लॉकिंग के बाद आप लोग को आपके चॉइस फिलिंग के अनुसार सीट एलॉटमेंट दिया जाता है, और वो आपके मार्क्स बेसिस पे होते हैं। और उसके बाद जो अपडेट है या फिर प्रोसेस स्टेप है वो है प्रोविजनल सीट एलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड, उस प्रोविजनल सीट ऑर्डर को आप लोगों को डाउनलोड करना है और उसे आपको एडमिशन के वक्त देना भी पड़ेगा। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको उसके बाद दिए गए एलॉटमेंट लेटर में दिए गए कॉलेज में आपको जाना पड़ता है,
और फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और आपका एडमिशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद। और फाइनल एडमिशन होगी, यानी कि वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो फाइनल एडमिशन हो जाएगी। और यहाँ पे है नेक्स्ट राउंड, यानी कि बेस्ड ऑन द वैकेंसी इन राउंड वन राउंड टू सीट अलॉटमेंट विल बी कंडक्टेड। और फिर द कैंडिडेट हु हैड नॉट एबल टू सिक्योर एनी सीट फॉर द फर्स्ट चॉइस इन द सीट अलॉटमेंट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड आफ्टर फॉलोइंग द सेम प्रोसीडर द अबव फॉर राउंड टू राउंड थ्री सीट अलॉटमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर द वैकेंट सीट्स। यानी कि आप लोगों को फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपका सेकेंड या थर्ड राउंड में आप लोगों का सीट अलॉटमेंट ज़्यादा चांसेस है कि दिए जाएंगे अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो। और फिर देयर विल बी एनी एग्जाम फॉर बिहार DCC PM PMD या फिर PA एडमिशन। तो यहाँ पे सवाल है कि क्या आपको फिर से एग्ज़ाम कोई देना पड़ेगा, तो यहाँ पे नो, द बिहार BCC काउंसलिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। यानी कि एक बार आपका मेरिट लिस्ट आ गया है तो आपको फिर एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके और अच्छे से इंटरव्यू थोड़ा मोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा और कुछ नहीं। व्हाट इज़ द काउंसलिंग फी फॉर द बिहार DCC? काउंसलिंग फी क्या है, तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,500 से 1,000 के बीच दिया गया है। और डिप्लोमा के लिए 1,000 से ऊपर ही होगा, ये आप समझ, मतलब 1,000 ही होगी और अधिकतम। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द BCC या DCCE? तो काउंसलिंग शेड्यूल आपको रिलीज कर दिया जाएगा जल्द ही। व्हेन विल बिहार DCCE काउंसलिंग विल स्टार्ट? द काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड सून वेट फॉर द ऑफिशियल डेट। यानी कि ऑफिशियल डेट आती है तो आपको यहाँ पर ही सूचना दे दी जाएगी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द DCCE काउंसलिंग? तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, कौन कौन से आप लोगों का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कॉलेज में डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, आपको सारे मार्कशीट का और सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। और फिर आपके हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये सारा तीनों चीज़ आप, मतलब आपका निवास स्थान कहाँ है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र और फिर आपके स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र चाहिए कि आप ठीक है या नहीं, फिर आपके जाति का प्रमाण पत्र तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र से ही आप लोगों का रिजर्वेशन मिलता है, कितना परसेंट छूट है या फिर क्या क्या वो सारा कुछ। और जाति वाइज ही आपका तो सिलेक्शन होता है काउंसलिंग में, आप लोगों को कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, तो उस लिए आपने जो डिप्लोमा का फॉर्म भरते वक्त जो जाति दिया है, क्या वो आपका सच में वही जाति है या नहीं, उसे मिलाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, उसे ले जाना। और फिर उसे आप ज़रूर ले जाइए। फिर जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये सारा कॉपी आपको ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी ले जाना है, ये बहुत बड़ी बात। ओरिजिनल के साथ साथ आपको जेरोक्स कॉपी भी ले जाना है, और दोनों आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवाएंगे वो आपका ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी ले लेगा। और आप ज़्यादा कॉपी जेरोक्स करवा लें, जेरोक्स अपने पास रखें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज लेगा। और फिर जब आपका, जब सेमेस्टर 6वां सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा, आप पास आउट होंगे, तो आपको कॉलेज पुनः आपको लौटा देगी। तो फिर यहाँ पे है पासपोर्ट साइज और फोटोग्राफ, यानी कि आप अधिकतम 10 फोटोग्राफ अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ज़रूर लेकर ही जाए। और फिर है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड, बैंक पासबुक कुछ भी ले जा सकते हैं। और फिर एप्लीकेशन का,
यानी कि आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसका पेमेंट स्लिप या प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना होगा। अप्लीकेशन भरने वाले समय में आपको हार्ड कॉपी मिला होगा, उसे आपको लेकर के जाना होगा। और फिर है बिल द बिहार पीसीसी काउंसलिंग बी हेल्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कि आप लोगों का काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है। और तो और व्हिच इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर डीसीसी काउंसलिंग, तो यहाँ पे वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दिया गया है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है bcc.bihar.gov.in। आप इस पे जाते रहिए और अपडेट लेते रहिए कि काउंसलिंग कब होने वाली है या चॉइस फिलिंग कब होगी या फिर रजिस्ट्रेशन आपका कब होगा। और आपको इस पर भी इस वाले बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ पर भी उसका अपडेट दिए जाते रहेंगे। और फिर अगला है दोस्तों, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग फॉर कैंडिडेट। तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो ओनली क्वालिफाइंग कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द काउंसलिंग और काउंसलिंग प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द काउंसलिंग थ्रू द वेबसाइट ऑफ बीसीसी। यानी कि एक बार फिर से आपको बता दिया गया है कि काउंसलिंग आपके मेरिट लिस्ट पर ही दिए जाते हैं। और फिर है हाउ मैनी स्टेज बिल बिहार बीसीसी या डीसीसी काउंसलिंग कंडक्टेड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो या तीन स्टेजों में आप लोगों का काउंसलिंग होगा। अगर उसके बाद भी अगर कोई सीट बचती है तो उसके लिए एक अलग से काउंसलिंग को कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं कम है कि चौथा काउंसलिंग भी हो। अब दोस्तों आपको टीम ऑफ बिहार पॉलिटेक्निक टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि इस पर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी टेक्निकल से जुड़ी हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ को तो ज़रूर ज्वाइन कर ही लेना है। और आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी भी दिया गया है, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वाले पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पर जो बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया जाता है, चाहे वो डिप्लोमा के हो चाहे फिर कोई भी बड़ी न्यूज शिक्षा से रिलेटेड आती है तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ आप इस वेबसाइट को याद कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आप बने रहिएगा। तो दोस्तों होप आपको इस काउंसलिंग से रिलेटेड सारा जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और अन्य खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।